नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। शुरुआत एक सुंदर प्रेरक प्रसंग से। मित्रों, हमारे जीवन में प्रशंसा और प्रोत्साहन का बहुत महत्व है। थॉमस अल्वा एडिसन, आपने नाम सुना है, जिस रोशनी के नीचे बैठ करके अभी आप ये कार्यक्रम भी देख रहे होंगे, और जिस रोशनी के बिना संसार अंधेरा हो सकता था, जिस बल्ब की जिन्होंने खोज की। बचपन में थोड़े से मंदबुद्धि के थे। जब स्कूल जाते थे, उनके टीचर की तरफ से एक नोट लिखकर भेज दिया गया माँ को कि आपका बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि है, इसे आप कल से स्कूल ना भेजें। एडिसन ने पूछा, मम्मी क्या लिखा हुआ है इस पे, टीचर ने क्या लिख के दिया है? तो मम्मी ने कहा कि बेटा, इस पे लिखा है कि तुम बहुत होशियार हो, बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम इतने काबिल हो। और माँ ने घर में ही उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। एक ऐसे बच्चे को इतना योग्य वैज्ञानिक और आविष्कारक बना दिया प्रशंसा और प्रोत्साहन से। बाद में एडिसन लिखते हैं कि जब मैंने बहुत सालों के बाद वो स्लिप देखा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये बच्चा तो बहुत मंदबुद्धि है, कल से स्कूल ना भेजें। सचमुच प्रशंसा और प्रोत्साहन चमत्कार कर सकता है। ये हम एक दूसरे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए ज़रूर अपनाएं, और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। नमस्कार। मनुष्य के भीतर जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है, उसका विकास प्रशंसा और प्रोत्साहन द्वारा ही किया जा सकता है। जीवन के अंदर बहुत सी क्षमताएं हैं, बहुत सी एबिलिटीज हैं, लेकिन उसका विकास तभी संभव है अगर हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ये जीवन में बहुत आवश्यक है। प्रोत्साहन व प्रशंसा करने में कभी भी जीवन में कंजूसी ना करें। अगर हम दूसरों के अंदर क्वालिटीज़ को देखते हैं तो उन क्वालिटीज़ को अवश्य ही सराहें, उनकी प्रशंसा करें। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो व्यक्ति आपके प्रशंसा व प्रोत्साहन के शब्दों से और भी अधिक जीवन के अंदर विकास करेगा। तो कितना सिंपल उपाय है दूसरों को, उनकी एनर्जी को बढ़ाए रखने के लिए। तो आइए आज से हम भी ये संकल्प लें कि प्रतिदिन हम भी अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने घर में, ऑफिस में, कार्यक्षेत्र में, जिनको भी मिले उनको अवश्य ही प्रोत्साहन दें, उनकी कार्यक्षमताओं की प्रशंसा करें। तो देखिए, ये मंत्र भी जादू का मंत्र बनेगा। ओम शांति। मित्रों, जो भी हमारे अपने नज़दीकी या कोई और हमारे बारे में कुछ भी कहता है, वो हमारे मन में उतर जाता है। या तो उसका सकारात्मक प्रभाव होता है या फिर नकारात्मक प्रभाव होता है। कई बार बातों को हम बहुत गहराई से अपने अंतर मन में ले लेते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने लगते हैं। कुछ अच्छी बातें होती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बुरी बात होती है तब मन रोगग्रस्त हो जाता है, मन निराश रहने लगता है और मन से अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि मोर देन 80% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। तन में भी वो रोग दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन का ध्यान रखें, अपने मन के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यहीं से हर चीज़ की उत्पत्ति होती है। चाहे वो तन के स्वास्थ्य की बात हो, सामाजिक स्वास्थ्य की बात हो, या हमारे जीवन में सफलता की बात हो। इसीलिए मन को कैसे संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखें, इसकी आज सुंदर जानकारी लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। वर्तमान युग में बाह्य आकर्षण बहुत बढ़े हैं,
व्यक्ति भी बाहर देखने लगा है और जिसके कारण कोई व्यक्ति ने बाहर कुछ प्रोग्रेस कर लिया, पोस्ट पोजीशन, कुछ लग्जरीज, कुछ भी हो सकता है, उसके पास ज्यादा आ गई, तो हमें उस पर ईर्ष्या होती है। अब इससे कैसे बचे? सबसे पहली बात तो कि अंदर में डेवलप होना है। कहा भी गया है इनसाइड आउट अप्रोच, कि जितना हो सके आप अंदर से डेवलप होंगे तो बाह्य चीजें ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी, वह डेवलप होगी। दूसरी बात, ये पक्का कर लो 1000% कि ईर्ष्या से आपको 0.1% भी फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा बहुत सारे नुकसान होने वाले, इसलिए इससे हमें बचना है। तीसरा कि उस व्यक्ति में कुछ विशेषता है और उस व्यक्ति में जो विशेषता है उसको समझो और आप भी डेवलप करो। उसने कुछ स्किल्स को डेवलप किया और कुछ किया, कैसे किया, और वह आप अपनी रीति से अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, तो आप भी आगे बढ़ेंगे। और चौथी बात है कि आपकी अपनी भी विशेषताएं है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, तो जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट करो, क्योंकि आप ईर्ष्या करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट नहीं कर सकते, न ही आप उसे निखार सकते हैं। उसको निखारिए, उसका उपयोग करिए, तो आप अपनी रीति से एक यूनिक वे में जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। मित्रों, मन के बारे में बहुत सुंदर सी जानकारी हमने प्राप्त की, ज़रूर उस पर गौर भी कीजिएगा और अप्लाई भी कीजिएगा, क्योंकि मन का तंदुरुस्त रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे साथ दूसरे डॉक्टर भी हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में, डॉक्टर सोनिया रावत जी। वो भी अपने जीवन के सुंदर अनुभव, कुछ छोटी छोटी और गहन बातें हमारे साथ साझा कर रही हैं, अध्यात्म की भी बातें तो साथ ही उनके जीवन के सुंदर अनुभवों की भी बातें, आइए सुनते हैं। ब्यूटिफुल कंपाउंड, इट्स अ ब्यूटिफुल एरिया एंड आई कैन सी दैट एवरीबॉडी इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीबॉडी इज एक्चुअली डूइंग व्हाटएवर जॉब दे आर सपोज्ड टू डू सो in an orderly manner. Mm-hmm. And you know, I can feel the positivity, I can feel that white aura, you know. Mm-hmm. So basically everybody is actually so sort of well connected to each other, and I can feel that there's definitely, you know, that positive vibes are going on. Okay. So that is definitely there. Management of the mind, mm-hmm. management of ourselves, self-management, mm-hmm. is very important. As you have emphasized before, our lifestyle modification, mm-hmm. along with a well-balanced, healthy diet and positive thinking, mm-hmm. and thinking always sort of in a positive way, good about other people, right. Sort of seeing the positives of the other people, mm-hmm. is very important, mm-hmm. and having a clean aura and maintaining that aura, mm-hmm. around us, mm-hmm. is very important. During the inauguration, Dadiji, Janki Dadiji was there, mm-hmm. then Nirbhay Bhaiji was also there, mm-hmm. and the other Dadiji was also there, so they were all sort of all together, all present today. मित्रों, आज 15 मई है, मास का तीसरा रविवार। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय में इसे इंटरनेशनल मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाता है, एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ। और इसे इस रूप में मनाया जाता है कि सारे विश्व में शांति हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, विश्व में जैसे सुंदर प्रकंपन फैलाए जाएं। तो 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें, विश्व के कोने कोने के भाई बहनें इस समय मेडिटेशन करते हैं, आप भी इसमें ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो केवल स्थूल सेवाएं जो हम प्रतिदिन देखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, वही नहीं, लेकिन ये सूक्ष्म सेवाएं भी मन की तरंगों से, मेडिटेशन से प्रकृति को और सारे संसार को अच्छे वाइब्रेशन देना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है।
आइए आज देखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसकी सूक्ष्म और स्थूल सेवाओं को इस न्यूज हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी दुर्ग के द्वारा बघेरा के आनंद सरोवर के विशाल सभागार में आयोजित दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण वर्ष का शुभारंभ किया गया। शांतिवन आबू रोड से पधारे ब्रह्मा कुमार देवान भाई, ब्रह्मा कुमार देवेंद्र भाई सुराना महाविद्यालय दुर्ग के पूर्व प्राचार्य धनराज भवनानी व ब्रह्मा कुमारी दुर्ग संचालिका रीटा बहन ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए ब्रह्मा कुमारी रीटा बहन ने बताया, धर्म का मोल है और पाप का मोल भी तो एक आत्मा में दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। भ्राता धनराज भावनानी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, माँ जो होती है वह दुनिया में सबसे बड़ी दया व करुणा का सागर होती है। दया करुणा खुशी की बात जब होती है, जब कभी ऐसा अनुभव होता है, किसी किसी दिन मन बहुत प्रफुल्लित रहता है तो कहते हैं कि परमात्मा की मुझ पर बहुत मेहर अर्थात कृपा हुई है। माउंट आबू से पधारे ब्रह्मा कुमार देवान भाई ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि अपने जीवन में भगवान के कार्य को पहला स्थान दिया तो भगवान ने हमें पहले नंबर पर बिठा दिया। उन्होंने शांतिवन आबू डायमंड हॉल में सेवाधारी के रूप में परमात्मा के अंग संग के अनेकों रोमांचक अनुभव सुनाए, जिसे सुनकर उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए। उपस्थित जनसभा को वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी रूपाली बहन ने शपथ दिलाई। मित्रों, आज की शुरुआत बहुत ही एक व्यावहारिक और जरूरी बात से हुई थी, प्रशंसा और प्रोत्साहन, जिसकी हमें हमेशा आवश्यकता रहती है और हम कामना करते हैं। छोटा सा भी कार्य करते हैं या बड़े से बड़ा कार्य करते हैं, चाहे उसमें कुछ 19-20 हो भी गया हो, हम कामना करते हैं कि लोग प्रशंसा करें, मुझे प्रोत्साहित करें। और यदि कोई मीन मेक निकाल देता है, कुछ बुराई कर देता है, तो हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं। हमारी कामना रहती है जब ये कि हमारी लोग प्रशंसा करें, प्रोत्साहित करें, तो क्यों ना ये कार्य हम आज से दूसरों के लिए स्वयं ही शुरू कर दें। उनके छोटे छोटे कार्य को घर में भी, अपने साथियों के कार्य को, कर्मचारी हैं आपके साथ कुछ कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों को हम प्रोत्साहित करना शुरू करें, उनका प्रशंसा करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। वो अपनी गलतियों को सुधारते भी हैं और साथ ही साथ ज़्यादा उत्साह के साथ ज़्यादा मेहनत करते हैं और जो आउटकम आता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और मान लीजिए कभी कोई आपको प्रोत्साहित नहीं करता, तो एक दूसरी चीज़ भी आपको कहे जा रहा हूँ आज, आप अपने आप को स्वयं ही शाबाशी दे दिया करें, अपना पीठ खुद थपथपा लिया करें कि शाबाश, तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मान लो यदि कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, तो हम खुद को ही प्रोत्साहित करें तो हमारी कार्य करने की जो क्षमता है, दक्षता है, बढ़ती चली जाएगी। तो इस पर मित्रों आज ज़रूर कार्य कीजिएगा। आज के लिए एक प्रकार से होमवर्क है जिसे हमें प्रतिदिन ही करना है। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।